महाराष्ट्र में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले किसान सूखे की वजह से काफी परेशान थे, लेकिन अब अत्यधिक बारिश के कारण परेशान होना पड़ रहा है। बारिश के चलते किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ताज़ा मामले सामने आए हैं कि लातूर, बीड, उस्मानाबाद, जालना और परभणी का, जहां पर भारी बारिश के कारण सभी जिलों में डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसके कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति है। किसानों के हजारों एकड़ खेत में पानी घुस गया है, जिससे सारी फसलें खराब हो गई हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदी और तालाब भर गए हैं, डैम ओवरफ्लो है, जिससे हजारों गांवों में फसल तबाह हो गई है, जिसमें सोयाबीन, गन्ना, कपास, केला और अन्य फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नांदेड़ में केले की फसल पानी भरने से खराब हुई है, तो जलगांव में प्याज, कपास, गन्ना किसानों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी सूखे के लिए चर्चा में रहने वाले लातूर जिले के लोग इन दिनों अतिवृष्टि से परेशान हैं। जिले के अहमदपुर तहसील में भी बारिश के कारण नुकसान हुआ है। बाढ़ जैसी बारिश होने के कारण जो सोयाबीन की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। किसान सोयाबीन के अंकुर खेत में ही फूटने लगे हैं, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। फसलें बर्बाद होने से किसान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। लातूर जिले के अहमदपुर तहसील में रहने वाले एक किसान ने बताया है कि हम किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। बारिश के कारण सभी फसलें खराब हो गई हैं। लाखों की लागत लगा के सोयाबीन की खेती कर रहे थे, लेकिन सारी उम्मीदों पर अब बारिश ने समझो पानी ही फेर दिया हो। इस साल भारी बारिश के कारण खरीफ की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है, और हम सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं कि किसानों को जल्द ही आर्थिक मदद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।